हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। विंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम फिर आपके लिए एक नई ट्रिक और लगभग कुछ जानते कुछ नहीं जानते, तो आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि आप गूगल पे UPI से किस तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकते हो और पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो और बहुत सारे उससे रिचार्ज कर सकते हो। तो इससे जुड़ी हुई गूगल पे से सभी हम बातों का डिस्कस करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ध्यान से देखें और फिर उसको समझें और एक बार यूज करके देखें, और पक्का है कि आप उस चीज को सीख जाएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करें, सहयोग करें, बने रहें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तो जरूर समझ आएगा। पक्का है, ये गारंटी है कि आप सीख जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप गूगल पे डाउनलोड कर लें। ठीक है, गूगल पे ये देखिए हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर अपडेट नहीं हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने डाउनलोड किया हुआ है, बाकी इसको हम बैक कर देते हैं। गूगल पे में आते हैं। गूगल पे आने में सबसे पहले आप वो नंबर इसमें डालें जो बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तभी आप गूगल पे को यूज कर सकते हैं और तभी आप यूज कर पाएंगे। ओके, तो हमने ये डाल देते हैं अपना मोबाइल नंबर, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जीमेल आईडी शो हो रही है हमारा जो चैनल है उसकी। बाकी यहाँ से ये जो पेंसिल के निशान पे ओके करोगे तो यहाँ से आप चेंज गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गूगल अकाउंट हैं, तो उनमें से हम सेकेंड नंबर का चूज़ करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में OTP आएगी, OTP वेरीफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुकी हो, लग गई OTP, बस थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है सिक्योर गूगल पे, क्योंकि गूगल पे का ये ऐप से तो गूगल पे सिक्योरिटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं कि ये फ्रॉड है, इसमें से लगभग ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें धोखा हो पाएगा किसी के साथ। उसके बाद यूज यूअर स्क्रीन लॉक, तो जो इसका फ़ोन का लॉक है स्क्रीन का, वही अगर इस पर ऐप्स पर रखना चाहते हो वो भी ठीक है। अगर यूज गूगल पिन, अगर गूगल से अगर कोई पिन जनरेट करना चाहते हो 4 अंकों का, तो वो भी आप कर सकते हो। इंटरनेट होना ज़रूरी है, तभी वो बन पाएगा। ठीक है, तो हम स्क्रीन लॉक ही रखना चाहते हैं, कंटिन्यू पे ओके कर देते हैं। ठीक है, हमारा स्क्रीन लॉक किया है, तो हमने कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे वेलकम टू गूगल पे, तो आप यस पे कर दें या नो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे बैंक से पहले ऑलरेडी जो है इसमें है, बाकी हम उनको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं कि रिमूव कैसे, पहले सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, रिमूव करना भी हम सिखा देंगे। सबसे पहले हम ऐड सेक्शन पे जाते हैं। ऐड सेक्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आप बैंक को सर्च कर लें जो बैंक आप जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास NSDL है, तो आप एक SMS जाएगा वेरीफिकेशन के लिए, तो आप सेंड OTP पे कर दें, तो ये सेंड मैसेज भी हो गया, वेरीफिकेशन वेरीफाई नंबर विथ बैंक जो ये भी हो गया है, तो अभी बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो उसके बाद क्या था, आप नीचे देखिए, डोंट नाउ योर UPI पिन या इंटर UPI पिन, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, तो आपका नहीं है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने चूज किया हुआ तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ये नहीं है, तो अब थोड़ा पीछे चलें, आप यहाँ पे फॉरगेट पे कर लें, क्योंकि जो आपका डेबिट कार्ड है, रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड, उसका आप नंबर डाल दें। लास्ट जो नंबर होते हैं ऊपर 6 नंबर डालने हैं अपने को। ठीक है, जैसे हम अपना डाल देते हैं इसका, ओके, तो उसके बाद एक्सपायर डेट डाल दें, जितना टाइम की डला हुआ है उसमें एक्सपायर डेट, यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, तो ये इंफॉर्मेशन ले रहा है कि UPI का ये सही है या गलत है। उसके बाद एक फिर इंटर OTP आती है, वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। सेट UPI पिन, आपको सेट पिन करना होगा, आपको कितने का, 4 अंकों का, तो आप उसमें से यहाँ नीचे ओके करके ये देखिए यहाँ पे 4 अंकों का कर लें, नेक्स्ट कर दें, 2 बार आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि बैंक लिंक होता है या नहीं होता है। इनवैलिड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन एक्शन चेंज कार्ड डिटेल्स, तो ये कुछ बोल रहा है कि आप चेंज करें डिटेल्स को। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ गई, इसको हम एक्सपायर डेट हमसे थोड़ा गलत हो गया था, हम दोबारा से लगाते हैं, सॉरी दोस्त, यहाँ से हम इसको कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सपायर डेट जो इसमें साल का, अभी दोबारा से आ गया मैसेज, एक माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया,
हमने डाल दिया, देखो ओटीपी ऑटोमेटिक आ गया। अब सेट पिन करना है अपने को, दोबारा से दो बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप शो भी चेक भी कर सकते हैं इसको, देख कौन सा लगा रहे हो आप, ठीक है। तो अब हमने लगा दिया, ये एक्यूरेट सही है। अगर कोई सर्वे में प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, बाकी हमने अपनी तरफ से सही लगाया। ये देखिए यहाँ पे अलग अकाउंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट प्राइमरी, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं प्राइमरी अकाउंट आ चुका है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो अकाउंट, इनको आप यहाँ से, यहाँ पे लिखा इनएक्टिव, मतलब एक्टिवेट नहीं है सेविंग अकाउंट। तो यहाँ से आप इनको रिमूव करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ओके करना है, इसी के ऊपर तीन डॉट पे आना है, ऊपर लिखा हुआ रिमूव अकाउंट्स, तो कंटिन्यू पे कर दें, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओके कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा रिमूव अकाउंट और डिलीटिंग यूपीआई आईडी, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से दो जुड़े हुए थे। बाकी मैंने वैसे प्रोसेस शुरू से ही समझाया आपको, ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है, आप बेफिक्र रहें, निश्चित निश्चित रहें कि आपको समझ नहीं आ पाएगा, समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, देखिए कट गया। उसके बाद दूसरे पे आप कर दें, और दूसरे पे भी यहाँ पे जाके वही सेम प्रोसेस रिमूव कर दें और कंटिन्यू पे कर दें। यहाँ पे भी वही है, रिमूव अकाउंट हो रहा है और डिलीटिंग यूपीआई अकाउंट। तो ये प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे हो गया, यहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में सबसे जो यहाँ पर फ्यूचर्स होगा, यहाँ पर ये रिवार्ड्स होंगे, जितने आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे जो आपने लिए हैं, ठीक है, इसमें जो आपको मिलेंगे, अभी जीरो है, कोई इसमें नहीं है, ओके। उसके बाद आता है ऑफर, ऑफर सेक्शन में जाके आप ऑफर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी, यहाँ पे लिखा हुआ अर्निंग अप टू 2020 रुपये, मेक फ्रेंड, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब आपको 200-300 रुपये से ज़्यादा का बिल भरना होगा। उसके बाद में नहीं सॉरी 2000 रुपये भरने होंगे मिनिमम आपको, 2020 रुपये, तो उसके लिए आपको स्क्रैच कार्ड 300 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फ्यूचर देख लो आप, यहाँ पे अर्निंग दे रहा कि 1500 रुपये, मेक योर फर्स्ट मोबाइल पोस्ट पेड बिल पेमेंट, बोथ बिल मस्ट एनलिस्ट, 300 रुपये, मतलब वो भी सेम इसी में लिखा है कि ये गूगल पे का एक्सपायर ऑफर 30 जून तक है। उसके बाद अगर अदरवाइज कोई और यहाँ पे आप सेक्शन कर चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये कुछ बरिस्ता के नाम से ऑफर है, और ये स्क्रैच कार्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी आप गूगल पे अकाउंट हो या कोई भी यूपीआई अकाउंट हो, उसमें एक बार आपको 1000 रुपये करके डालने होंगे, ठीक है, 1000 रुपये, तो इसमें 150 रुपये करके डालने होंगे, और 1000 रुपये तक स्क्रैच कार्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक इसमें प्ले स्टोर का है, तो उसमें आपको रिचार्ज ये हो 300 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, ये कोड होता है कोई, आप प्ले स्टोर से अगर कोई आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं जिसके लिए आपको पैसे देने हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद एक सेंड ऑफर, ये भी फ्राइडे स्क्रैच, इसमें भी आप यही सेम कि 500 रुपये आपको ने भेजने होंगे, तो 1 लाख यूजर होंगे जो चुनिंदा होंगे, उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे LPG गैस का, अगर आप सिलेंडर वगैरह आप यहाँ से बुकिंग करते हो और यहाँ से आप पे करते हो उसके लिए पैसे, तो यहाँ का भी आपको कैशबैक मिल जाता है बहुत अच्छा खासा। उसके बाद ये बहुत सारे ऑफर हैं, रिफ्रेश कर लें इनको, 501 का है, यहाँ पे 240 का DTH का, ये भी आपको मतलब 150 रुपये कैश में मिल जाएगी। डोमिनो कुछ इस तरीके के बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्वाइट कर सकते हो, पर इन्वाइट का आपको मिलेगा 81 रुपये, 81 रुपये तब मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम किसी को, नए बंदे को आप अपने साथ जोड़ते हो इन्वाइट करके, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करता है मिनिमम 1000 से ऊपर का या 500 का। उसके बाद नीचे आइए, स्क्रॉल कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए सी ऑल पेमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पे जितना एक्टिविटीज पेमेंट आपने लिया दिया वो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ओके करेंगे। तो अभी हमारा फिलहाल कुछ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया इस बैंक से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ओके ओके। यहाँ आप देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं नीचे की तरफ, चेक बैलेंस, यहाँ पे जाके आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, आपने कर सकते हो जो आपने अपना पिन डाला वो पिन डाल के आप चेक कर सकते हो बैलेंस कितना है, ठीक है। तो मैंने ये जीरो बैलेंस से खाता खोला था, अगर आप इस बैलेंस को खोलना चाहते हो, इस खाते को खोलना चाहते हो, तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा लिंक इसका, आप वहाँ से जाके ये वीडियो देखें और जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। थोड़ा सर्वे प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये आपको इसका सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है न्यू पेमेंट, तो यहाँ पे प्लस पे आएंगे, सबसे पहले ही प्लस पे आएंगे तो ऐसे आएगा, तो प्लस पे करना है। प्लस पे करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर्स हैं, यहाँ पे देखिए मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका यू पी आई आई डी और QR कोड, यहाँ पे QR कोड, यहाँ पे अगर कोई QR कोड है तो उसको आप देखिए ओपन कोड स्कैनर, ठीक है, तो यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो, साथ ही साथ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक कर लें, अगर QR, अगर कोई UPI ID है तो UPI यहाँ पे डालेंगे, इस तरीके से UPI डाल देंगे आप, नंबर डाल के पीछे जैसे लिखी होती है UPI ID, और UPI ID कैसी होती है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएँ सेक्शन में, रुको यहाँ से नहीं मिलेगा, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बैक जाना पड़ेगा, हम बता देंगे UPI ID कैसी होती है। बिल पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से आप जाके कोई भी बिल भर सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे, ये सभी DTH केबल का है या इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट पर है,
गूगल पे का है, लैंडलाइन का, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का, फास्टैग रिचार्ज का, पाइप गैस है, वाटर इंश्योरेंस, लोन ईएमआई, अदरवाइज और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, इनसे आप लाभ ले सकते हो। बैंक पे आके, यहाँ पे बैंक पे जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, फिर दोबारा से डाल के री इंटरनल कन्फर्म करना, दोबारा से आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, रिसेप्शन उसका नाम जो सही है या नहीं है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, बाकी एक रूट डाल के कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आप सबसे पहले वो डालना होगा इसमें बैलेंस, बैलेंस डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करने के बाद आपको यूपीआई अपना पिन डालना होगा, तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन ये कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो उस चुनिंदा के पास, मतलब वो ये यूपीआई आईडी है या नहीं, ये फ़ोन पे यूज करता है उसके लिए दिया हुआ है। थोड़ा पीछे चलते हो तो आपको अभी ये नहीं पता होगा कि आपकी आईडी क्या है, तो आईडी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है देखिए, जो आपने जीमेल आईडी में, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको आईडी दिखी ऊपर, ठीक है, बिंदर सिंह 672 एट द रेट ओके एस बी आई, तो ये है जो ये इसकी वो आई डी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन ये पेमेंट मेथड का है, तो यहाँ पे ये देख लें तो ये प्राइमरी बैंक है, ठीक है, तो लास्ट का इसका जो बैंक का वो दे दिया है इन्होंने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, और यहाँ पे रेफर इनवाइट एंड रेफर, यहाँ पे शेयर का कोड दिया हुआ है, तो ये आप जो रेफर कोड है इसको डलवा के अपना, आप इसमें डलवा के अपने साथ जोड़ सकते हैं, और आपको कैश रुपये आपको मिलेंगे, और उसको भी 50 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ये ऑफर काफ़ी पसंद आएंगे, और आप अपना क्यूआर कोड देखना चाहते हो, आपको क्यूआर कोड है तो आप उसके लिए भी आप यहाँ पे देख लें, नीचे की तरफ सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे पेमेंट मेथड पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रोल्स पे जाना है, उसके बाद थोड़ा नीचे चलना है, नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर आप लॉगआउट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक उसको हटा सकते हो, नोटिफिकेशन उसको कर सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा चलेंगे तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिए मेरे दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ से नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था मैं भी चुटके हुए, तो यहाँ पे ये देखिए रेफ़र कोड, ये रेफ़र कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये रेफ़र कोड दे दिया है, और थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहाँ से आप अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं, ये आपका क्यूआर कोड है, ओके, तो स्कैन माई स्पॉट कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ये स्कैन करने का एक क्यूआर कोड है, ओके, तो यहाँ पे ये क्यूआर कोड आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से सेट अमाउंट करके उस तरीके से इसका अमाउंट कर सकते हो, और बाकी इसको यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ से, ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं आप ऐसे लग सकते हैं इसको, स्क्रीन शॉट ले लें, ओके, तो यहाँ से आप क्रॉस किचन से बैक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ अगले दिन, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और सपोर्ट करें, और पूरी वीडियो को देखा करें जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए और सीख सको आप, तो इतना ही कहना चाहूँगा, सपोर्ट करें।